पावर भी है कि हमारी इस डैशबोर्ड क्लास में हम आज आपके साथ एक डैशबोर्ड बनाएंगे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। उससे पहले हम लेते हैं आपके सामने कोई डेटा। तो हमने यहाँ पे डैशबोर्ड 9 PM में देखते हैं डेटा क्या है। ग्रोथ सही रहेगा, ग्रोथ लिया हमने, ठीक ग्रोथ लिया हमने, ओपन किया। तो डेटा इंपोर्ट कर लिया, डेटा डिफरेंट डिफरेंट जगहों से इंपोर्ट किया जा सकता है, जो कि हमने लास्ट कई क्लासेस में सीखा है, और इसको हमने यहाँ पे लोड कर लिया। एक्सेल मेरा परफेक्ट होकर डेटा बेस में आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा हाईफाई रिपोर्ट नहीं बनाना चाहता, मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स बनाना चाहता हूँ और कुछ फ्लो बनाना चाहता हूँ, और साथ में मुझे यहाँ पे अपना डेटा भी शो करना है, ठीक है। तो डेटा में हम देखते हैं डेटा क्या क्या है। डेटा में कोई बड़ा डेटा नहीं है, जैसे यहाँ पे डेट हो गया, टाइप हो गया, ये डेटा यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस हुआ, कितना एक्सपेंस कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, रेवेन्यू कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और इस प्रॉफिट को जनरेट करने में कितना स्पेंड हुआ, राइट। और उसका आप कहाँ से आया, सोर्स क्या है, और यहाँ पे एम्प्लॉय कौन से हैं, और यहाँ आपका एम्प्लॉय टाइप कौन सा है, मैं कि ओल्ड है या न्यू एम्प्लॉय एम्प्लॉय है। तो मेरे पास बेसिकली दो साइट्स है, ठीक है, और यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार पैरामीटर्स बनाना चाहता हूँ, जो कि बताएगा कि ओल्ड का क्या है और ओल्ड का क्या है, स्टेटस क्या है, न्यू का स्टेटस क्या है, और ऐप का क्या है, वेबसाइट का स्टेटस क्या है, वो चीज यहाँ पे शो होगा। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए मैं गट चार्ट यूज नहीं करना चाहता, थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहता। तो यहाँ विजुअल में मैं आऊंगा, गेट मोर विजुअल पे जाऊंगा, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये दिख रहा है सर, टेक्नोमीटर, ऐसे मीटर करके सर्च करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत आएगा। स्पीडोमीटर करेंगे, स्पीडो मीटर करेंगे ना, बहुत सारा आएगा, ये दिख रहा है मीटर का। अब आपको ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा कर रहा है, जो भी चाहिए वो ले सकते हो। तो हम जो है इस बार इसी को लेते हैं, ये सही है, ठीक है। और यहां पे ऐड कर दिया। अब यहां ओके आ गया, इंपोर्ट यहां आ गया, इसको सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टोटल, मुझे क्या लगाना है, टोटल रेवेन्यू दिखाना है, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू दिखाना है, नहीं टोटल प्रॉफिट दिखाना है, रेवेन्यू कितना, रेवेन्यू पे क्या परसेंटेज हुआ, तो वैल्यू दिखाना है प्रॉफिट, ठीक है। और इसकी जो स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, एंड वैल्यू मेरा दिखाना है रेवेन्यू, स्टार्ट वैल्यू जीरो ही रहे। तो यहां पे ये देखिए एंड वैल्यू हमारा क्या आ गया, ठीक है। उसके बाद टारगेट वैल्यू, टारगेट देखिए, लेकिन यहां पे मैं दो चीज ये करना चाहता हूं कि मैं यहां रेंज दिखाना चाहता हूं, समझ गए, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, छोटा कर दूंगा इसमें, इसका रेंज दिखाना चाहता हूं। या फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ टेक्नोमीटर दूसरा लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करने में थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है ना, छोटा करने पे थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे गेट मोर विजुअल पे आते हैं, और यहाँ पे मीटर सर्च करते हैं, ए वाला सही लग रहा है, इसको लेते हैं। और जब लेते हैं तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ओके। अब ए वाला मीटर लेते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू है ये हमारा प्रॉफिट होगा,
और जो एंड वैल्यू होगा हमारा, जो एंड वैल्यू होगा वो होगा हमारा टोटल रेवेन्यू, कि पता चलेगा कि यहाँ पे 1 मिलियन हुआ ना टोटल, तो जितना रेवेन्यू था। जी जो ऐड करोगे एडियंस है। हाँ एडियंस है। अब इसमें क्या है, मुझे यहाँ पे अपने कलर ये देने, कलर्स देने। तो जैसे कि अब यहाँ कलर पैरामीटर कैसे बनाए, तो 30, 60 और 90 तीन चाहिए मुझे, 3, 60 हाँ 3, 60, 90 तीन पैरामीटर बनाया जाता है। स्पीडोमीटर होता है मीटर, जो यहाँ पे देखिए तीन कलर है ना, तीन अलग कलर मीटर दिखा है। 30 रेड होना चाहिए, 60 येल्लो होना चाहिए, और 60 से ऊपर जो होगा वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको न्यू मेजर्स में जाना होगा, और क्योंकि यहां मैं मैनुअली नहीं लिख सकता, यहां पे लिखता हूं ग्रेटर देन 30%, तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि मेरा एंड सेल क्या है, सम रेवेन्यू है, तो सम ऑफ रेवेन्यू और इसका मल्टीप्लाई बाय 0.3%। ठीक है, अब इसको हम यहां डालेंगे तेरा स्टार्ट रेंज यहां, रेंज टू, रेंज टू स्टार्ट वैल्यू, और यहां से हम 30% को डाल, ये रेड हो गया, रेड है। ठीक है, फिर यहां पे क्विक मेजर करते हैं, यहां पे लिखते हैं लेस देन 60%, और यहां हम देते हैं सम रेवेन्यू का 0.6%। अब इसको उठा के हम कहां रखते हैं, हम रखते हैं यहां रेंज 3 स्टार्ट वैल्यू, तीन हो गया। आप अपने हिसाब से कलर वलर दे सकते हैं, तो कलर के लिए यहां आइए, तो रेंज 1 रहने दीजिए, रेड है, रेंज 1 को देते हैं हम थोड़ा सा लाइट येलो, नहीं नहीं रेंज 1 रेड होना चाहिए ना, दे दिया रेड। उसके बाद रेंज 2 हमारा होना चाहिए येल्लो, तो इसको हम येल्लो दे देते, और रेंज 3 होना चाहिए मेरा ग्रीन, तो हम ग्रीन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है सर, ग्रीन हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर आपका, इंडिकेटर का नीडल कलर क्या होना चाहिए, तो नीडल कलर मैंने बोला कि रेड होना चाहिए, रेड आ गया। देन नीडल साइज को बढ़ाना है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे 500% कर देता हूँ, या फिर आपका चाहते कि नहीं 1000%, यहाँ पे 1000% ज्यादा नहीं होगा, जो साइज होगा वही उससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ आता है बेस कलर, तो बेस कलर अगर रेड कर दें तो देखिए, और बेस कलर 30% है, इसको बढ़ाइए। ठीक है सर, इसको 100% कर दीजिए, हो गया सर एक्सेस लेवल। बाकी डिस्काउंट बाकी चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ऊपर सम ऑफ प्रॉफिट 30% आ रहा है, तो इसके टाइटल में आते हैं, यहाँ पे जनरल में टाइटल, टाइटल यहाँ लिखते हैं हम टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे ऐसा ही। अब इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इस पे इसके अब एक चीज और है कि मैं इसका बैकग्राउंड ब्लू चाहता हूँ, तो इसके कैनवास सेटिंग करते थोड़ा ब्लू अच्छा लगेगा। कैनवास सेटिंग में आते हैं, इसकी कैनवास बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर ये है, तो इसकी कलर मैं ब्लू ले लेता हूँ, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देता हूँ। अब ऐसा हुआ तो मुझे इस सबकी कलर चेंज करनी होगी, तो एक ही बार कर लेते हैं। इसकी जनरल में इसका इफेक्ट कलर, एक मिनट,
ट्रांसपेरेंसी 100% कर दीजिए, हट जाएगा, कलर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो बाकी जो आती है चीज़ें हैं, बॉर्डर वगैरह तो नहीं है ना इसमें, बॉर्डर नहीं है, सही है। उसके बाद इसके अंदर आइए और यहाँ पे ये टारगेट वैल्यू टारगेट तो है ही नहीं ना इसमें। इंडिकेटर एक्सिस लेवल इसको हम कर देते हैं व्हाइट, और कोलाइट वैल्यू इसको भी कर देते हैं व्हाइट। साइज थोड़ा कम करना है तो कम कर दीजिए, क्लाउड परसेंटेज उसकी जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब इसको कॉपी करते हैं, इसी के बगल में पेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें टारगेट एक चीज आ गया इसमें, इसका जो हमने जनरल में टाइटल दिया था, टाइटल के कलर यहां से ब्लैक था तो इसको व्हाइट करना है। टोटल प्रॉफिट, और यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेस्ट कॉपी और पेस्ट, इसी के ऊपर पेस्ट होगा, इसको हटाइए। इसमें मुझे प्रॉफिट तो चाहिए, लेकिन चाहिए किसका, टोटल प्रॉफिट हो गया, और मुझे इसमें चाहिए सेम चीज होना चाहिए, प्रॉफिट हटाते हैं, लेकिन इसमें मुझे चाहिए इसका क्या बोलते हैं ओल्ड और न्यू का मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करना, जो इसका फिल्टर है ना, फिल्टर में हम डेटा ऐड करते हैं किसका, टाइप का, साइट हो गया टाइप, टाइप का यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू, ठीक है। और इसके टाइटल में जाते हैं, टाइटल लिखते प्रॉफिट ऑफ न्यू कस्टमर, ठीक है। फिर इसको यहां से कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं, और यहां पे रखते हैं, यहां पे भी एक, इसको इसमें सेम रहेगा, बस इसमें से हम लिख देते हैं ओल्ड, नहीं उठा देते हैं ओल्ड, और यहाँ पे लिखते हैं इसमें, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें जाते हैं जनरल टाइटल, यहाँ पे ओल्ड, ठीक है, तीन ही काफी है, तीन ही ज्यादा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जीरो ब्लैंक दिख रहा है, इसके जगह पे भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। अब इसको मैं पीछे एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ एक अच्छा सा, तो इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे एक सैप, सैप में ए वाली सैप, ठीक है, इसको लिया। हाँ, इसकी जो कलर है तो साफ नहीं दिखेगा, और इसी में मोर फिल में आते हैं, ऐसा ही, और इसको इस तरह से हम करते हैं, और इसको रखते हैं, और राइट क्लिक करके
इसके बाद एक मिनट, इसको फॉर्मेट में आते हैं, सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, और फॉर्मेट में ग्रुप, ठीक है सर। ग्रुप क्या कर दिए, ताकि इस पर कर्सर जाता है तो वो छुप जाता था ना, वो छुपे नहीं, ठीक है सर। अब यहां पे हम सेम एक लेते हैं चार्ट, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट को लिए, और इस पे जो लाइन चार्ट मेरा होगा ये मुझे दिखाएगा कि मेरा ऐप का और इसका क्या सेल है, प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट लेके मैंने रख दिया इसमें, उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा लेजेंड में साइट, एक्स वाई एक्सिस में इसको यहाँ पे रखते हैं लेजेंड में, एक प्रॉफिट तो रखना है वाई एक्सिस में, साइट जो है उस साइट को रखना है मुझे लेजेंड में, और मुझे ये दिखाना है डेट वाइज, तो डेट को रखना है यहाँ, और ये डेट वाइज ये हर एक नहीं हटा देता हूँ मैं यहाँ से, डेट डालता हूँ सिंपल। अब इसकी बैकग्राउंड में आता हूँ, जनरल में इफेक्ट 100% ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ सबसे अच्छा, और ऐसा कर दिया तो मुझे इसकी टाइटल को कलर जो है यहाँ पे प्रो, यहाँ पे ऐप वी एस साइट प्रो फिट बाय डे, और यहां हम इसकी साइज बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और इसकी कलर व्हाइट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां आते हैं, इसमें हम आते हैं लाइंस कलर, तो एक ब्लू है इसको हमें करना है ग्रीन, और एक को करना है रेड, ठीक है। उसके बाद एक्सिस वगैरह जो है आपका वाई एक्सिस वैल्यू शो करना है, इसकी कलर वाइट कर दीजिए, ऐसे आप वाई एक्सिस में जाइए, वाई एक्सिस में वैल्यू इसकी भी कलर वाइट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टाइटल्स इसकी भी कलर वाइट कर दीजिए, ठीक है, सब कुछ आई है। अब इसमें एक चीज और भी है, एड डेटा लेवल, डेटा लेवल ऑन कीजिए, और इसकी जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम कर दीजिए कलर वाइट, ताकि दिखे पहले चीज, ओके। लेवल ऐड हो गया, रेंज वगैरह भी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। अब इसके जनरल पे आते हैं, इफेक्ट हटाते हैं, इफेक्ट को अंदर ही रखते हैं, यहाँ रहा मेरा विजुअल बॉर्डर, तो ये जो बॉर्डर है बॉर्डर दिखेगा, लेकिन बॉर्डर में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ मैं, जो राउंड कॉर्नर है ना इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो इसे ऊपर राउंड है ना ऐसे भी राउंड करना चाहता हूँ, तो जरूरी नहीं कि हर बार मुझे सैप्स ही लेना पड़े, हम ऐसे यहां से भी राउंड कर सकते हैं इफेक्ट में, विजुअल बॉर्डर में राउंड भाई
सही है, और बढ़ाना है और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो है मैं चाहता हूं, जो मेरा डेटा है, आपको डेटा दिख रहा है ना इसमें, और नेम है, तो मुझे नेम वाइज डेटा चाहिए ओल्ड और न्यू कस्टमर का, ओल्ड और न्यू कस्टमर का नेम वाइज टोटल प्रॉफिट चाहिए, नेम वाइज ऐप वाइज। ठीक है, तो अब कैसे करें, तो इसके लिए मैं जाता हूं विजुअल पे, एक लेता हूं मैट्रिक्स टेबल, मैट्रिक्स लिया और इस मैट्रिक्स को मैं यहां पे डालता हूं, क्योंकि मुझे इसमें डेटा भी चाहिए, डेटा ले लिया। अब इस पे मैं रखता हूँ, रो में रखता हूँ नेम अपना, जो मेरा नेम है, ये रहा रेवेन्यू साइड स्पेन एम्प्लॉय नेम, रो में एम्प्लॉय नेम आ, और उसी के अंदर मुझे यहाँ पे अपना ऐप का भी देना है, वेबसाइट भी देनी है, साइट भी दे दिया, साइट यहाँ नहीं, हाँ। उसके बाद मुझे इसमें न्यू और ओल्ड देना है, यहाँ पे आपका आता है टाइप, तो टाइप को मैं रखता हूँ एम्प्लॉय साइड, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू के अंदर में मैं अपना रखता हूँ टोटल, पूरा देना चाहता हूँ कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, इसको भी यहाँ पे मैं साइट को बीसी के नीचे रखना चाहता हूँ, यहां से हटा देता हूँ साइट को, और यहाँ पे हमने रेवेन्यू कितना, यहाँ पे फिर मैट्रिक्स हटाया तो मैट्रिक्स की जरूरत नहीं मुझे, रेवेन्यू कितना रहा, और मुझे इसमें रेवेन्यू के साथ साथ जोड़ने हैं कि हमने कितना एक्सपेंस किया, कितना मैंने क्या हुआ एक्सपेंस नहीं है, कितना एक्सपीरियंस किया, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, ये चीजें चाहिए हमें डेटा, तो ये डेटा हमने यहाँ ले लिया। और डेटा को भी आप यहाँ पे अपनी जो फॉर्मेटिंग करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका इफेक्ट में गया और बैकग्राउंड को 100% कर देता हूँ, टाइटल डालना है तो टाइटल डाल दीजिए, विजुअल करना है तो यहाँ पे वैल्यू की कलर, टेक्स्ट कलर मैंने व्हाइट किया, बैकग्राउंड कलर व्हाइट की जगह पे कोई और कलर ब्लू कर देता हूँ मैं, अल्टरनेट कलर भी व्हाइट किया मैंने, अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर ब्लू करते हैं। ठीक है सर, दिख रहा है आप, ये सिंपल हमारा बन गया। ओके, इसमें मैं अपना डेटा भी दिखा रहा हूं पिवट के तौर पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी दिखा रहा हूं, और साथ में ये अपना फ्लो भी दिखा रहा हूं कि मेरा क्या फ्लो चल रहा है। क्लियर है सर, देखा सर, जैसे कि मैंने बताया था कि एक मेरा रहेगा और एक आपका, तो इसी के ऊपर, इसी डैशबोर्ड के ऊपर मैं आपको एक इमेज भेज रहा हूं। अब ये इमेज वाली जो डैशबोर्ड है वो आपको करनी है, ठीक है, इसको बना के आप लोग भेज, तो कल कुछ और 5-7 डैशबोर्ड में इसी साथ में आपको करूंगा, ताकि आपको डैशबोर्ड पे प्रैक्टिस हो जाए। मैं इसको पब्लिश कर दीजिए, यहां से सेव करते हुए। हाँ जी बोलिए। चलिए, हमारा लास्ट टाइम कौन सा जैसा की इन्फ्लुएंसर की इन्फ्लुएंसर ये वाली है जो ना, ये चाहते
में वो। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल करा दूंगा इसको। चलिए ठीक है कल। हाँ ठीक, कल कर दूंगा सर, चिंता मत। रिकवर जी तो बता दिया था ना सर। ठीक, उसमें आता हुआ वो अपने आप कंपोजिशन हो जाता है, मैं उसमें दिखा दूंगा। चलो ठीक है, दोनों बता दूंगा। ठीक है। ठीक है।